हेलो फ्रेंड्स, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिपॉजिट पे इन स्लिप जो आपको एसबीआई बैंक में मिल जाएगी। अगर आप एसबीआई के अकाउंट में कैश जमा करते हैं या फिर आप एसबीआई में कोई चेक जमा करते हैं तब आपको ये स्लिप भरनी पड़ती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एसबीआई के अकाउंट में कैश जमा कर रहे हैं तो आपको किस तरह से इस स्लिप को भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है। यहाँ पर आपको डालना है जिस अकाउंट में आप कैश जमा कर रहे हैं उस अकाउंट का नंबर, यहाँ पर आपको नाम डालना है। ये बात आपको ध्यान रहे कि आप जिस अकाउंट में कैश जमा कर रहे हैं वो अकाउंट नंबर और उसी अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आपको डालना है मोबाइल नंबर, यहाँ पर डालना है ईमेल आईडी। वैसे ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि ईमेल आईडी आप डालें। मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड हो वही नंबर डालें। आप कोई भी एक्टिव नंबर डाल सकते हैं जिससे कि अगर किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से अगर बैंक को आपसे कॉन्टेक्ट करना है तो वो इस नंबर पर आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है, आप जितना भी अमाउंट जमा कर रहे हैं वो आप शब्दों में यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर ये डिटेल भरने के बाद अब आप ये कॉलम एक देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप कौन कौन से नोट कितने भर रहे हैं वो डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। ये तो मेरे पास 2000 के 4 नोट हैं तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ नोट लिखूंगी 4, और 4 नोट हुए 8000 तो यहाँ पर लिखना है 8000। 500 के 6 नोट हैं तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और 6 नोट हुए 3000 तो यहाँ पर लिखेंगे 3000। 100 के 10 नोट हैं तो 10 लिखेंगे, और ये 100 के 10 नोट हुए 1000 तो लिखेंगे 1000। 200 के भी 10 नोट हैं तो ये 200 ये लिखा हुआ है तो इसके आगे भी 10 लिख देंगे और ये बने 2000 तो लिखेंगे 2000। इसका टोटल आप देख लीजिए, इसका टोटल हुआ 14000 तो यहाँ पर टोटल करके इसका टोटल लिख देंगे, 14000 रुपीज हम जमा कर रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर, तो यहाँ पर डिपॉजिटर के साइन होंगे। यहाँ पर एक चीज में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जिसका अकाउंट है वही साइन करेगा या कोई भी साइन कर सकता है। तो जो भी कैश जमा कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो अकाउंट होल्डर ही हो, जो भी कैश जमा कर रहा है डिपॉजिटर है वो यहाँ पर साइन करेगा। यहाँ पे साइन कर देते हैं। अब ये साइड वाली स्लिप भर गई है, अब हम इस वाली स्लिप पे आते हैं, इस साइड की। यहाँ पर भी बहुत सिंपल है, आपको अकाउंट नंबर डालना है, नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और अमाउंट डालना है। स्लिप के इस साइड वाले कॉलम भी हमने भर दिए हैं, यहाँ पे डेट डाल दी है, अकाउंट नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और अमाउंट डाल दिया है, वर्ड्स में और फिगर में डाल दिया है। डिपॉजिट स्लिप हमारी भर चुकी है। अब जब हम काउंटर पर कैश जमा करने जाएंगे तो हम कैश के साथ साथ ये स्लिप भी जमा करेंगे। जो कैशियर होगा वो आपको ये जो आप पार्ट देख रहे हैं स्लिप का, ये ऐसे फट जाता है, बहुत आराम से ये फट जाएगा यहाँ से, तो वो इस पर स्टैंप लगा करके, ये देखिए फट गया ना, वो इस पर स्टैंप लगा करके आपको वापस कर देगा। तो ये जो रसीद है वो इस बात का प्रूफ होगी, जब इसमें स्टैंप लग जाएगा कैशियर का, तो इस बात का प्रूफ होगी कि इस अकाउंट में इस डेट पर आपने इतने पैसे जमा किए हैं। तो अगर कभी भी आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ होती है, आपने एक पैसे जमा किए लेकिन वो आपके अकाउंट में नहीं शो हो रहे हैं, तो आप प्रूफ के तौर पर ये रसीद बैंक में ले जा करके दिखा सकते हैं, तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसे जरूर सॉल्व किया जाएगा। अगर आप इस रसीद के बिना जाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमेशा इस रसीद को संभाल के रखिए जब तक आपको बिल्कुल श्योर हो जाए 100% कि आपने जो पैसे जमा किए हैं वो अकाउंट में जमा हो चुके हैं। तब तक तो आपको ये रसीद बहुत ज़्यादा संभाल के रखनी ही रखनी है।